तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टीके पेट्स। तो जैसा कि लास्ट वीडियो आपने देखा था आरिफ भाई के साथ, आरिफ भाई ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। वो लाइव मील वर्म्स और सुपर वर्म्स डिलीवर करा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो आज अपन फिर से आरिफ भाई के पास। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कोई वीडियो मिस ना हो। और आने वाले टाइम में आरिफ भाई के साथ बहुत सारे नए लॉन्चेस करने वाले हैं, तो आप चैनल पे बने रहें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस वीडियो का पार्ट सबसे अच्छा कौन सा लगा। तो अरे भाई, आज अपन क्या दिखाने वाले अपने व्यूअर्स को? यहाँ पे मेरे पास देखिएगा आप लोग, ड्राई में मीलवॉर्म्स है एंड सुपरवॉर्म्स है, और इसके अलावा ये जो है ट्रीट वाला, इसके अंदर सब मिक्स में वैरायटी है। मतलब एग्जांपल, इसके अंदर लार्वा है, मीलवॉर्म्स है, और इसके अंदर सुपरवॉर्म्स, सब मिक्स है इसके अंदर। ये आप सभी मिक्स वाला भी डाल सकते हो और नॉर्मल आप मीलवॉर्म्स भी डाल सकते हो। और ये पाउचेस है मेरे पास, ये वाली वैरायटीज के देखेंगे आप, प्रो मिल कंपनी का है ये सब प्रोडक्ट। जिसमें भी आपको अलग अलग टाइप्स के मिलेंगे, देखेंगे आप अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स भी खा सकते हैं, रेप्टाइल्स का भी है, ये अरवाना का भी है इसके अंदर। यहाँ पे देखेंगे रेप्टाइल्स बना हुआ है इसके ऊपर, सब अलग अलग टाइप्स के इसके अंदर। ये देखेंगे शिवरम एंड चिकलेट्स के लिए है ये वाला देखेंगे आप अरवाना के लिए ये वाला, और यहाँ पे देखेंगे ये फ्लावन के। तो अरे भाई, पहले प्रोमील के बारे में हमें थोड़ा बताएं, कैसे इसके प्रोडक्ट हैं, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो गया है अपनी शॉप पे बेचते हुए और आप पर्सनल भी यूज़ करते हैं प्रोडक्ट। प्रोमील कंपनी का प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया हो, मैंने पर्सनल यूज़ किया। मैं एक्चुअल ज़्यादा कभी किसी कंपनी का मैं देखा रहता प्रोमो करता नहीं हूँ, और किसी को जल्दी उतना यकीन करता नहीं मैं। तो मैंने ये यूज़ किया हो, ये मैंने यूज़ करने के बाद ये प्रोडक्ट मैंने अभी लोगों को बता रहा हूँ, मतलब आप लोगों को। तो मैं आप लोग को ये बोलूँगा, ये प्रोडक्ट आप डाल सकते हो, बहुत सी आपकी मतलब एक्स्ट्रा प्रोटीन्स एंड मिनरल्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपने देखे रहे कि मेरा जो पहला वीडियो आया था उसके अंदर मैंने लाइफ वाला जो मीलवॉर्म्स है सुपरवॉर्म्स आप लोग को बताया, तो उसी तरीके से ये ड्राई भी है। बहुत से लोगों के घर में अगर कोई इशू रहेगा, कोई नहीं रखना चाहता है, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आप लोग देखेंगे ये प्रोडक्ट्स मैंने भी यूज़ किया हूँ, ये ड्राई में ये मिल वॉर्म से आप उसको ऑस्कर को या फिर इस तरह से ऑस्कर को एंड पैरेट को भी डाल सकते हो। ये देखिए कितने अच्छे से खा रही है। तो अरे भाई, मेरा एक सवाल है, पहले अपन आगे जाए उससे पहले, कि जैसे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि जैसे ये प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, या ये प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है दूसरे पैलेट्स यूज़ करने के ऊपर? तो एक्चुअल मैंने आप लोग को बताऊं कि मैंने इससे पहले देखा, दूसरे प्रोडक्ट भी चेक किया, उनकी क्वालिटी में इसकी क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंट है, प्राइसेस का कोई इशू नहीं रहता है। अगर आप कुछ अच्छा खिलाना चाहते हो तो अच्छा खिलाओ। और ये देखेंगे, ये देखिए कि सुपरवॉर्म्स है ड्राई में, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है भाई। मैंने जब यूज़ किया, जब भाई ने मुझे सैंपल दिया तो मैंने इसको यूज़ कर चुका हूँ। तो आप इसको डाल सकते हो इस तरह से, ऑस्कर वगैरह को भी खिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी मच्छियों के लिए बेस्ट है मॉन्स्टर मच्छी, आपके पास अरवाना वगैरह बड़ा सा इसका रहेगा एग्जाम्पल। ये देखिए, अरवाना वगैरह इजीली खा लेते हैं, बड़े साइज का ऑस्कर, बड़े साइज का आपके पास पिकॉक बास वगैरह, मॉन्स्टर में टैंक है आपके पास, तो ये आप इसको डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट, ये काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ किया इसको जितने बोल कर, ये मीलवॉर्म्स की क्वालिटी भी अच्छी है। ये देखो आप लोग, में ये मीलवॉर्म्स है, ये इसके अंदर बस इसकी क्वालिटी देखिए एक बार, मतलब इसकी। अरे भाई, मेरे को तो इंडस्ट्री में इतना साल नहीं हुआ, पर आपको तो ये काफी साल हो गए होंगे, आपने मतलब इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देखे क्या कोई भी? एक्चुअल मैं कई सालों से मच्छी के अंदर हूँ, तो ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, जैसे बोलते ना कुछ नया अपडेट होता है, जैसे कि मोबाइल अपडेट होता है या किसी चीज में अपडेट होता है, तो मच्छी के लाइन में भी अपडेट है। तो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैंने भी यूज किया, इसका मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। मतलब इसका यूज़ कर सकते हैं आप मॉन्स्टर टैंक में, या फिर आपकी कोई टैंक में, या ट्रॉपिकल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी मच्छी का मुंह छोटा है तो आप इसको क्रश करके डाल सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपको ओवरफीड नहीं करना है इसको, इसके अंदर हाई प्रोटीन एंड नेचुरल मोर विटामिन सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। मैं खुद पढ़ रहा हूँ इसके अंदर, मैंने यूज़ किया, जहाँ पर देखेंगे आपको डब्ल पे लिखा है। तो आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, लाइक टाइनी मीलवॉर्म्स वगैरह, वो भी अपन कवर करेंगे। टाइनी मीलवॉर्म्स इंशाल्लाह कुछ दिनों में आएगा, वो भी मैंने बोला हो, अभी तो मैंने स्टार्ट सुपरवॉर्म्स से मीलवॉर्म्स से स्टार्ट किया हो, तो ये भी आप देख सकते हैं, आप लोग को
ये भी यूज कर सकते हैं, आपको लाइन नहीं रखना है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्रोटीन वगैरह अच्छा है, आप नॉर्मल पैलेट्स वगैरह डालते हो। बहुत से लोग कंफ्यूजन है कि भाई अरे भाई ये मच्छी को क्या डालना चाहिए, ये मच्छी को क्या डालना चाहिए, तो बहुत से लोग कंफ्यूजन है, तो इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अल्टरनेट के तौर पर आप इसको भी यूज कर सकते हो, एग्जाम्पल आप ड्राइवर डॉम डाल रहे हो या फिर आप पैलेट्स डाल रहे हो, अल्टरनेट के रहते हैं फूड चेंज के हिसाब से भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो अरे भाई अगला मेरा एक सवाल है कि जैसा ब्लड वर्म्स बहुत सारे लोग फीड करते हैं, तो ब्लड वर्म्स के ऊपर इसके क्या बेनिफिट्स है, या ट्यूबिफ्लेक्स वर्म्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या बेनिफिट्स है इसके? ये एक्चुअल ब्लड वर्म्स एंड ट्यूबिफ्लेक्स जो होते हैं लाइव में गटर में पाए जाते हैं, उसके अंदर पैरासाइट होने के चांसेस होते हैं आपका, तो इसके वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। तो ज़्यादा करके आप नॉर्मली ड्राई में ज़्यादा यूज़ करिए, अगर बहुत सी जगह पर मिलता भी नहीं है लाइव में कीड़ा वगैरह, तो वो भी आप लोग ये आपकी जो है कमियां खत्म करेगा, या फिर आपको नॉर्मली तो मिल वॉम्स सुपॉम्स मिल जाएगा। तो अरे भाई कोई भी अगर हमारा व्यूअर आपसे फिशेस मंगा रहे तो उसके साथ आप ये कुरियर कर देंगे? अगर किसी को चाहिए रहेगा तो ये मैं दे सकता हूँ, और मेरे पास एक प्रोडक्ट अभी तक मैंने मंगाया नहीं, सेलिंग के लिए नहीं रखा हूँ, स्टार्टिंग मैंने ये यूज़ के लिए लिया हो, तो ये मैंने यूज़ कर चुका हूँ ये सब प्रोडक्ट। पर आने वाले टाइम में अगर किसी व्यूअर को चाहिए तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? आने वाले टाइम में अगर आप मुझसे लेना चाहेंगे ये कंपनी के प्रोडक्ट तो मैं आपको दे सकता हूँ। ओके, तो अरे भाई मेरा एक सवाल है आपसे कि जो फिशेस रहती है नेचर में क्या खाती है, मतलब उनका नेचुरल डाइट क्या रहता है? नेचुरल में एक्चुअली लोग कीड़ा वगैरह ही खाते हैं लोग, बट कीड़ा जो रहता है समंदर नदी के अंदर का या फिर इधर का, तो उसका इंटरनल इतना गंदा नहीं रहता है। जैसे एग्जाम्पल मुंबई के अंदर या फिर कई जगहों पर नाले के अंदर जो गटर में जो कीड़े पाए जाते हैं, उसके अंदर इंटरनल के अंदर बैक्टीरिया वगैरह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, आप लोग उसको तो सैनिटाइज या फिर आपको स्टेरलाइज वगैरह करके तो नहीं मिलता है आपको, नॉर्मली आप शॉप पर जाते हो कीड़ा वगैरह बाय करके आप डाल देते हो, तो आप लोग इसके अलावा भी ये यूज़ कर सकते हैं, आपको नेचुरल फूड के जरिए में काम करेगा ये भी, और लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटीन भी मिलेगा इसके जरिए से। तो अरे भाई इसमें मतलब नेचुरल डाइट जैसा फील होगा फिशेस को, ऐसा रहता है? नेचुरल डाइट का फील होगा उनको, बट ये नेचुरल को ही ट्राई किया हुआ है, तो ओके प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अरे भाई जैसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं उनके कमेंट सेक्शन में डाउट्स आए थे कि जैसा गोल्ड फिश है या उनके पास कोई है टेट्रास है, तो वो लोग ये प्रोडक्ट ले नहीं सकते या लेते नहीं है, वो लोग अक्खा एक मीलवर्म डालते हैं और उनकी फिशेस खा नहीं पाती, तो उसका क्या बोलना चाहेंगे आप? एक्चुअल इशू क्या होता है कि उनका मुँह छोटा रहने की वजह से उन लोग के मुँह में वो फिश जाता नहीं है, तो इसके लिए आप लोगों को इसको क्रश करके डालना पड़ेगा, क्रश करके डालेंगे बारीक करके तो आपकी छोटी मछलियाँ भी इसको खाएगी, जिस तरह से आपको नजर आएगा मैंने गपली को जिस तरह से डाला आप उसी तरह से इसको ब्रश करके कपड़े को भी खिला सकते हैं। यहाँ पे ये मिलवॉर्म्स है, ड्राइड मिलवॉर्म, ये वाला ड्राई में, अब यहाँ पे देखेंगे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये मिलवॉर्म्स है, मैं आप लोग को लाइव भी बताऊँगा, ये इस तरह से आपके हाथ में लेना है और आपके फिशेस को इस तरह से डालना है, ये देखिए अच्छे से खा रही है एकदम। तो अरे भाई ये गोल्ड फिश भी, मतलब बहुत सारे लोगों का सवाल था कि गोल्ड फिश ये खाती है नहीं खाती है? एक्चुअली ये मच्छियाँ हैं जो गोल्ड फिश वगैरह सब खाती है, इसके अलावा चिकलेट वगैरह या फिर आपके पास अरवाना ऑस्कर वगैरह तक फिर भी आप इसको डाल सकते हो। आपको इस तरह से लेकर थोड़ा सा क्रश करना है, थोड़ा सा इस तरह से क्रश करेंगे तो थोड़ा पाउडर हो जाएगा, तो आपके जो है मच्छी जैसे कि एग्जांपल ये गोल्ड फिश है, यहाँ पे छोटे साइज का मैं डाल दिया क्रश करके यहाँ पे, तो मच्छी का जो गोल्ड फिश का मुंह जो होता है थोड़ा छोटा साइज का होता है, तो लोग के मुंह में अच्छी तरीके से चला जाता है ये, ओके, तो मच्छी इजीली इसको खा लेती है। आपको बड़ा नहीं डालना है, बड़ा डालेंगे तो क्या होगा कि ये खा नहीं पाएगी, तो आपको क्रश करके डालना है इस तरह से, आपको हाथ में क्रश करना है और आपको इस तरह से डालना है, तो ये सब खा लेती है बेस्ट तरीके से। और इसके अंदर बेनिफिट्स ये है कि इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, मिनरल है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। नॉर्मल बैग्स मार्केट में जो आए हुए हैं बहुत सारे, मैंने यूज़ किया, नॉर्मल बैग्स आपने भी यूज़ किए, तो उसके अंदर फ़र्क ये है
प्रोटीन की मात्रा जो होती है कम होती है उसके अंदर। नॉर्मल जो है मच्छी का जो ऑयल या फिश ऑयल वगैरह या फिर मरी हुई मच्छी या फिर मच्छी का झींगा वगैरह उससे बनाया हुआ फूड होता है, तो उसके मुकाबले में इसका ज़्यादा थोड़ा सा पावर है ये वाला वैरायटी। मैं अभी ये समथिंग मुझे यूज़ करके इसको कुछ 1.5 महीना हो चुका है, मैं भी यूज़ किया उसको। तो मैंने ये जब फर्स्ट टाइम लिया ये तो मैंने भी सैंपल लिया था। मैं मेरी आदत है कि मैं कुछ भी चीज़ यूज़ करूँगा तो उसके बाद ही सही करता हूँ या फिर लोगों को बताता हूँ, तो मैंने यूज़ कर चुका हूँ। तो आप ये मिल वॉर्म्स अगर आप डालना चाहते हो आपकी मच्छियों को, छोटी मच्छी आपके पास टेट्रास वगैरह है या फिर आपके पास एंजल है या फिर आपके पास जो इनका जो छोटा मुँह खुलता है एग्जाम्पल गप्पी वगैरह, तो आप इसको क्रश करके डाल सकते हो, तो ये मच्छी है इसी तरीके से खा लेती। बाकी जल्दी ये टाइनी मील वॉर्म्स भी लॉन्च कर रहे हैं जो छोटी बेटा फिश वगैरह होती है उनके लिए, तो वो भी आ रही पे जल्दी अपन कवर करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उसका मैंने सैंपल मंगाया कंपनी से बात किया तो मैंने इनके ऑनर से भाई के, तो इन्होंने बोला कि छोटे वाला भी प्रोवाइड करेगा तुझे, तो मैंने बोला कि मुझे सैंपल दो, तो ये सैंपल मैंने यूज़ किया अभी तक, तो मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया और सेलिंग करना। ओके, बट मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला इसका। मैंने गोल्डफिश वगैरह को भी डाला हो, कपिक्स को भी डाला हो, अगर आप देखेंगे तो मैं कपिक्स को भी आपके सामने डाल के दिखा देता हूँ। ये हाथ में लिया मैंने इस तरीके से, यहाँ पे इसको आपको क्रश करना है, पाउडर करना है इसको, मतलब ये पैलेट जैसा बन जाएगा थोड़ा। नहीं क्रश रहेगा तो क्या रहेगा कि गप्पी का जो छोटा मुंह होता है इस तरह से आपने क्रश किया, अब इसके बाद इसको आप गप्पी को क्रश कर सकते हो। आप देखिए आपको आपके इसमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि ये क्रश किया हुआ गप्पी खा रही है, तो ये प्रोटीन्स है इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। मच्छी कलर में एंड हेल्थ में काफ़ी अच्छी रहेगी, ब्रीडिंग में भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये मैं इस तरह से इनको टेक्टर से गप्पी को फीड करता हूँ, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं मिलगोंग से ट्राई में देख सकते हैं। तो अरे भाई अगर किसी को प्रोमिल के प्रोडक्ट चाहिए तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मंगा देंगे? प्रोमिल आपको चाहिए रहेगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप बहुत से लोग तो अरवाना वगैरह पाले रहते हैं बहुत से लोग, तो लाइव फिश वगैरह देते हैं बहुत से लोग, मैंने देखा हूँ मेरे पास भी आते लोग बहुत सारे फीडिंग फिश वगैरह मांगते हैं, तो मैं आप लोग को एक चीज़ बोलूँगा, फीडिंग फिश जो होती है आप लोग डालते हो, बहुत से लोग को बहुत भारी पड़ जाता है, मतलब बार बार दुकानों के चक्कर खाना पड़ता है कि भाई फीडिंग फिश डालना है, अरवाना बहुत बड़ा हो गया, तो आप इसको मिल वॉर्म्स या इसको सुपर वॉर्म्स भी डाल सकते हैं। तो क्या होता है कि आप इसको नॉर्मली ड्राई में रखते हैं, अगर आपको लाइव में चाहिए तो लाइव में भी मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम है, ज़्यादा कीमत नहीं होती है, नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाते हैं, तो आप इसको घर में भी रखते हैं, आप उसको डाल सकते हैं नॉर्मल डब्बे में। तो अरे भाई इसमें मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को और इसके बारे में, मतलब इसका फूड के अंदर बहुत सारी वैराइटीज़ है, मैं आपको वीडियो पे चलते हुए सब कुछ बताऊँगा, मेरे पास कौन सा कौन सा फूड है, कौन से कौन से वैराइटीज़ है फूड के अंदर, आपको लाइव वाला भी पता चाहिए कि भाई मेरे पास कौन सी मच्छी है, कौन सा मैं फूड डाल रहा हूँ। ज़्यादा करके प्रोटीन वाला बहुत इशू आता है, प्रॉब्लम पब्लिक बोलती है कि भाई अच्छा फूड दे, पानी भी गंदा नहीं होना चाहिए। बहुत से फूड के रिगार्डिंग मैंने देखा, बहुत सारे मुझे फ़ोन या कॉल आते हैं कि भाई पानी बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है ओवर फीडिंग की वजह से, दाना पैलेट डालने के बाद तो ओवर फीडिंग की वजह से पानी फॉगी हो जाता है, तो मच्छी मॉर्टिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ये मिल वॉर्म्स के प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, पानी भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है और लिमिट रहती है खाने डालने की, हर एक चीज़ की लिमिट होती है, इसी तरीके से आपको यूज़ करना है। तो थैंक यू सो मच आर्य भाई। यहाँ पे आप लोग देखें कि ये मिल वॉर्म्स है, ये मैं कोई को डालता हूँ इस तरह से, ये देखिए इसने आराम से खा लिया है एकदम। इसको क्रश करके डालना है गोल्ड फिश को इस तरह से, ये इस तरह से आपको थोड़ा सा क्रश करके डालना है मिल वॉर्म्स को। ओके देखिए आपने इस तरह से आप कोई को भी डाल सकते हैं। ओके आप गोल्ड फिश को भी डाल सकते हैं। तो मतलब जो हमारे व्यूअर्स के डाउट्स थे वो कि गोल्ड फिश आराम से देखिए खा रही है एकदम। यहाँ पे देखो सेकंड यहाँ पे डॉलर को डालेंगे, यहाँ पे डॉलर को डाल रहा हूँ मैं, एक डॉलर भी आराम से, यहाँ पे एंजल को डालेंगे थोड़ा सा, तो थैंक यू सो मच आर्य भाई आपने इतना अच्छा बताया, ये नया प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ है अपनी स्टोर पे पहली बार, तो आप और कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं
मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को अलग अलग टाइप्स के अलग अलग वैरायटी के कुछ ना कुछ नया नया देखने के लिए मिलेगा इस चैनल के ऊपर, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं कुछ ना कुछ नई खोज में लगा हुआ रहता हूँ, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहूँगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए कि आप लोग, ये प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे सैंपल के जरिए मैं आया था, मैंने भी यूज़ किया इसको, तब मैंने इसको यहाँ पे देखा, यूज़ किया, तब जाके इसका प्रमोशन करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आर्य भाई, और आपके कोई भी डाउट्स है, कुछ भी नया आप चाहते हैं जो आपके स्टोर में नहीं हो पा रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, आरिफ भाई और मैं मिलके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। बाकी आप आरिफ भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं उनके नंबर पे, और अगर वो फ़ोन नहीं उठाते तो आरिफ भाई व्हाट्सएप करके छोड़ सकते हैं। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, काम के जरिए मैं बिजी रहूँगा, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ सकते हैं, या फिर आपको अदर नंबर दिए गए रहते हैं, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट।